सूरज चंदा बस यही दीजो अगले जन्म अगले ये अंगोछा हम आपके हाथ में देते हैं। आपका जवाब अगर हाँ है तो इसे धीरे से जमीन पर छोड़ दीजिए। अरे चिरैया, तेरे लिए चावल लाए हैं हम। मालिक बोले है तो रहना ही पड़ेगा, समझी? चल रहे। चिरैया भागना चाहती है यहां से। बहुत तकलीफ है बेचारी को। चली जाएगी तो वो भी सुखी हो जाएगी और हम भी। दुख तो दूर करना पड़ेगा इसका। बाकी कुछ गड़बड़ हो गया तो वो चिरैया के लिए फिक्र है कि नहीं? हाँ? देख वो तेरी सखिया, तेरी सखिया इंतजार कर रही है। जा। ठीक है। आपका खातिर हम अपनी फूल सी बच्ची की जान को जोखिम में डाले हैं। बस अभी देखना है कि उसको कोनो आंच ना लगे। कुछ लड़कियां साथ लगाए हैं ताकि काम में कोनो बाधा ना पड़े। ये सब सामान अंदर पहुंचावे के हैं। ऐसे का देख रहे हो? भूल गए का ठाकुर साहब का कहे थे? हमें का है, हमरी बात नहीं मानोगे तुम जाके ठाकुर साहब से कह देंगे। अब चलो चलो। ये सब लोग नहीं,
सिर्फ मैं ना। इतना सारा सामान है, कैसे जाएगा? भैया जाने दो ना, हम जल्दी जल्दी काम खत्म कर देंगे। चिरई, हम तो सोचे थे कि अब आदमी से बैठे नहीं होगा हमको। भेंट हो गई है ना, देखो हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, जल्दी करो। हाँ रुको, ई लो जल्दी से पहन लो, लो जल्दी करो। हाँ चलो जल्दी करो। का हो रहा है ये सब? अब का हो रहा है का मतलब? अरे इतना सारा काम है और लोग कम है, तो काम तो ऐसे ही ना निपटाना होगा। जा जा जा। हम मदद कर दें? मदद? नहीं नहीं, आप मदद काहे करेंगे? औरत जात के बीच में आपका का काम, हम कर लेंगे। हाँ चल। अब तुम एक जगह पे बाहर जाओगी। एक और बात याद रखना, वो नदी वाले रास्ते से ही जाना, पास पड़ेगा। हाँ और ये इनमें थोड़ा कपड़ा और पैसा है तुम्हारे लिए, रख लो, काम आएगा तुमको। लो रख लो। अब चलो। चलो चलो जल्दी करो। कहाँ जा रही है तू? कितने लोग हो तुम सब? कितनी बार आओगे जाओगे? हाँ वो कहा है कि ये हवेली में सामान छोड़ आई है, जा जा लेके आ, कहाँ खड़ी है, जा। और कितनी देर भीतर ही रहोगी? चलो। हे Thank you.
चलो चलो, हमारा काम खत्म हो गया है। आगे लोग हैं, मिल जाएंगे सत्यानाशी को, फिर कबहू नहीं आएगी हवेली में। कहानी खत्म। और कहानी बाली भी, वो क्या कहते हैं ना, ना रहेगा बांस अना बजेगी बांसुरी। शेखर बाबू, क्या है, किसकी पोटली है ये, यहाँ पर पड़ी है? जाने दीजिए, बहुत तकलीफ में ही है। हमने गांव जाएंगे, हम पिता की बहनी बेटी जैसे मैं, बख्श दीजिए हमको, जाने दीजिए। चिराई के बारे में कुछ पता चला रंडी जय? इतने बड़े मुस्टंडे, अंगुल भर लड़कियां की रखवाली नहीं कर पाए।
हवा भी हमसे पूछे बगैर इस हवेली से बाहर नहीं जाती। तो ये लड़की यहां से बाहर कैसे गई? ये लड़की यहां से बाहर कैसे गई? मालिक, हम तो अपना काम कर ही रहे थे, तभी जमनी कुछ लड़कियों को लेकर कुछ सामान रखने के लिए भीतर चली आई, और पता नहीं उन्हीं के साथ वो कब निकल गई, पता ही नहीं चला। जमने का कोनो दोस्त नहीं मालिक, ये तो एक सहेलियों के साथ काम कर रही थी, जो हमने कहा था खाना उना देना और सामान देना, जो आपका हुक्म था मालिक। अब जाने कब पूछ रही, मौका देख के निकल गई, अब ये लोगों का ध्यान नहीं लगा, काम में लगी थी। अब ये तो आदमी लोगों का काम है ना ध्यान रखना। की तरह कहा है खड़ा है, ससुर बोलता कहा नहीं है, तोहरी गलती थी ना, क्या कर रहा था उस समय? सो रहा था ना, बोल रहा सो रहा था। ये मगनवा बिना काम का इंसान है बाबूजी, गोबर है ससुर। एको हमने काम के वक्त खुद पकड़ा है सोते हुए, एक अंगिया बिल्कुल ठीक कह रही, बेकार है सबके सब। ये नौकर जात कौनू काम ढंग से नहीं करेंगे बाबूजी, ये लिए एकर इंतजाम एकर जिम्मेदारी हमारे हाथ में दे दीजिए, आपको फिकर करने की तनिको जरूरत है नहीं, निश्चिंत रहिए। चल यहां से, रुक जा, रुक जा। शौक नहीं पालना चाहिए, जो हमारे खिलाफ जाता है वो अपने पैरों पे नहीं खड़ा होता। काट के रख देते हैं, तुझे इसीलिए पकस रहे हैं
कि तेरे पास हमारे खानदान का चश्मे चिराग है। कुल का दीपक